Assalamualaikum dear students, hope you are pretty well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes where you are learning the concepts of physics in a more simplified way. तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the mechanical properties of fluids. So आपसे निवेदन है कि आप अपना रफ पेन उठाइए और लेक्चर को नोट करते जाइए. So enjoy the lecture. Dear beautiful people, आज से मैं नया playlist start करने वाला हूँ and this playlist will cover the chapter number 10th of the NCERT. तो आपको पता है कि इससे पहले हमने chapter number 9 complete किया है and that was named as mechanical properties of solids. तो आज से जो हमारा playlist रहने वाला है that will be mechanical properties of fluids. Mechanical properties of fluids. तो इसका मतलब यह है कि आज से हम solids की बात नहीं करेंगे. आज से हम किन की बात करेंगे? Fluids की बात करेंगे. तो first and the foremost question जो रहेगा हमारा कि fluid किसे कहते हैं. Solid तो हमने पढ़ा, उसकी properties जितनी भी थी वो हमने सारी की सारी complete कर दी और ये देखा कि एक solid बॉडी का क्या बिहेवियर रहता है, उसका मैकेनिकल बिहेवियर कैसा है. तो आज से हम क्या देखेंगे कि फ्लूड्स का बिहेवियर कैसा होगा, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी इस प्लेलिस्ट में कवर हो जाएंगी. तो पहला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा दैट इज व्हाट इज अ फ्लूड, फ्लूड किसे कहते हैं. तो फ्लूड उस सबस्टेंस को बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो भी सबस्टेंस फ्लो करेगा उसको हम फ्लूड बोलते हैं. जो भी सबस्टेंस क्या करेगा? फ्लो. तो एनीथिंग विच फ्लोज, अ सबस्टेंस विच फ्लोज, कहां के सबस्टेंस यूज फ्लो करे, कहां के सबस्टेंस यूज क्या करे? फ्लो. तमिस क्या है इस नाव दिवान? तमिस इस नाव दिवान फ्लूड. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्लो क्या होता है. तो मैं आज आपको पहले इस फ्लो के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सॉलिड्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते. दिस इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्लूड्स एंड द सॉलिड्स. सॉलिड्स और फ्लूड्स के बीच में जो अंतर है ना, जो बड़ा ही अंतर है, वो ये है कि दैट इज द फ्लूड्स कैन फ्लो व्हाइल सॉलिड्स कैंट. आर यू गेटिंग मी? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फ्लो, फ्लो किसे कहते हैं. आप ये मत समझना कि ये मोशन होगी. यस इट्स अ मोशन बट इट्स अ ब्यूटीफुल मोशन, और वी कैन से दैट फ्लो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन. तो किस प्रकार की मोशन होगी वो हम बात करेंगे, मगर वो उसी बच्चे को समझ में आ जाएगा जिसने इससे पहले वाला प्लेलिस्ट क्लियर किया होगा. जिसने इससे पहले वाला प्लेलिस्ट यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्लियर किया है. आर यू गेटिंग मी? तो क्या होता है फ्लो? ये एक मोशन होती है. फ्लो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन, मगर किस प्रकार की मोशन होती है उसके लिए मैं आपको बता दूं. अगर मैं एक बॉडी को लेता हूं और उस पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, सर कौन सा फोर्स? हमारे पास बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस होते हैं या नॉर्मल फोर्सेस होते हैं या शेयरिंग फोर्सेस होते हैं, जो आपने इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में पढ़े हैं. तो क्या है, कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? अगर मैं इस सबस्टेंस को या इस बॉडी को अगर तो एमिस कर शेयरिंग फोर्स अप्लाई. नाउ यू नो व्हाट इज शेयरिंग फोर्स. शेयरिंग फोर्स गो सो फोर्स यूज एक इस बॉडी टेंजेंशियली लाइक आर एकेडमी में. तो इसका मतलब यह है कि अगर ये मिस बॉडी हरकन अख सरफेस हरकन भी अख सरफेस आर एकेडमी में, तो इस सरफेस पे मैं क्या अप्लाई करूंगा? एक शेयरिंग फोर्स अप्लाई करूंगा. समझना मेरी बात, क्या फोर्स अप्लाई करूंगा? शेयरिंग फोर्स. उसके बाद जैसा कि मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको कि ये मेरे पास एक बॉडी है, यही बॉडी है जो मैंने यहां पर ले ली, ये मिस पर क्या कर पाए अप्लाई? ये मिस पर कर पाए शेयरिंग फोर्स अप्लाई. शेयरिंग फोर्स जो गसन अप्लाई पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस से सो पैरेलल लगान, यानी कि अगर ये मिस की हेरिम सरफेस छु मैं छु ना किम साइड फोर्स करने अप्लाई के दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, मैं छु हेरिम सरफेस पैरेलल फोर्स अप्लाई कर एक एक कर ऐसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जैसा कि आप देखते हैं कि मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा. आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड शेयरिंग फोर्स. अगर इस शेयरिंग फोर्स की वजह से अगर ये बॉडी मोशन में आई
किसकी वजह से? इस शेयरिंग फोर्स की वजह से। जो शेयरिंग फोर्स मोशन लाएगा, जो शेयरिंग फोर्स मोशन लाएगा, उस मोशन को हम बोलते हैं फ्लो। आर एकेडमी, तो इसका मतलब यह कि फ्लो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन। ये वो वाली मोशन है जब हम एक बॉडी को शेयरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी मूव करेगी, फ्लो करेगी, उस मोशन को हम फ्लो बोलते हैं। समझ में आया? ये आसान नहीं है कि जल्दी बता दे एनी सबस्टेंसेस विच फ्लोज इज कॉल्ड अ फ्लूइड। इट इज द रियल डेफिनेशन, बट द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज द वर्ड दैट इज द फ्लो। और फ्लो क्या है? फ्लो एक मोशन होगी जो शेयरिंग फोर्स की वजह से आती है एक बॉडी को। अब आपको पता है कि मेरे सामने एक सॉलिड बॉडी है और उसके ऊपर भी शेयरिंग फोर्स अप्लाई करूंगा, वो मोशन में नहीं आता है। ये चीज तो आपने देखा है। सो सॉलिड्स की ये कमी रही कि जब हम उन पे शेयरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे वो मोशन में नहीं आते हैं, तो उसके बदले वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत डिफॉर्म होके उनकी उनकी शेप चेंज हो सकती है। दैट इज वाई शेयरिंग फोर्स जो है या शेयरिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक सॉलिड बॉडी की शेप चेंज करता है। आर्गेडमी, अब आगे चलते हैं। अगर ये सॉलिड बॉडी नहीं लेंगे हम, इसके बदले वाटर लेंगे। आर्गेडमी, वाटर, एयर, ये चीजें लेंगे। चलो मैं वाटर लेता हूं। अब आप कैसे बोलेंगे कि सर वाटर कैसे लेंगे? आपने कुछ नहीं करना, आप एक तालाब पे रहिए या आप एक पॉन्ड पे रहिए या आप एक पॉट ले लीजिए और उसको ऊपर तक अप टू द ब्रिम उसको पानी से भर दीजिएगा, ठीक है, या एक बकेट ले लीजिएगा, पानी का बकेट ले लीजिएगा, ठीक है, तो अप टू द ब्रिम उस पे पानी डालिएगा, उसमें पानी डालिएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर एक सबस्टेंस है एंड दैट इज वाटर। इट में भी वाटर, इट में भी ऑयल, इट में भी ग्लाइसरीन, इट में भी हनी, आर्गेडमी, इट में भी मिल्क, यू नो लाइक दैट सबस्टेंसेस, लिक्विड्स, आर्गेडमी। चलो इसमें मैंने एक लिक्विड डाला है, सपोज दैट इज अ वाटर। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं सॉलिड के ऊपर शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा था तो उसने मोशन नहीं लाया, तो अगर उसने वहां पर मोशन नहीं लाया तो इस उस मोशन को फ्लो बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लो इज दैट काइंड ऑफ मोशन विच कम्स इनटू द प्ले एज सून एज द शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट सबस्टेंस। आर यू गेटिंग मी? बट इन केस ऑफ सॉलिड दिस काइंड ऑफ मोशन कैन नॉट बी सीन, आर यू गेटिंग मी, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द शेयरिंग फोर्स। रादर वी सी द डेफॉर्मेशन, एंड द डेफॉर्मेशन इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड बॉडी। बट जब यहां पर बात करते हैं, मैंने एक लिक्विड लिया और उसके ऊपर एक सरफेस बनी, आर यू गेटिंग मी, लिक्विड सरफेस, समझ में आया? अब इस सरफेस में क्या करता हूं, एक शेयरिंग फोर्स अप्लाई करूंगा। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट विल आई डू, मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ रखूंगा। अगर ये मेरे पास एक पानी का बकेट है, आर एकेडमी, और इसके ऊपर पानी के ऊपर मैं हाथ को स्लाइड करूंगा, यानी कि मैं एक शेयरिंग फोर्स अप्लाई करूंगा, यू विल ऑब्जर्व द वाटर बीनीथ आर हैंड, हमारे हाथ से नीचे जो पानी है वो मोशन में आ जाएगा, उस मोशन को हम फ्लो बोलते हैं। तो क्योंकि फ्लो कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड अनलेस यू हैव कंप्लीटली स्टडीड और हैव अ नॉलेज अबाउट द शेयरिंग फोर्स, आर यू गेटिंग मी। तो अब मैंने उस पे शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया वाटर पे, तो व्हाट हैपेंस टू द वाटर, इट कम्स इनटू द मोशन एंड दैट मोशन इज कॉल्ड फ्लो। तो इसका मतलब यह है कि लिक्विड फ्लो करता है, उसके बदले आप पानी को, उसके बदले आप मिल्क को ले लीजिएगा, अरे कोई भी लिक्विड ले लीजिएगा, उसके ऊपर अगर हाथ को फेरेंगे आप तो आप ये चीज देख पाएंगे कि वो मोशन में आता है एंड दैट मोशन इज कॉल्ड एज फ्लो। तो वी कैन से दैट लिक्विड इज फ्लो, बट अगर सॉलिड्स की बात करेंगे वो फ्लो नहीं करते हैं। अब चले जाते हैं कहां पे, गैसेस पे। तो गैसेस के बेस्ट एग्जांपल है एक ये जो अभी हमारा एटमॉस्फेयर है यहां पर। तो आपको पता कि हियर वी आर सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एयर, आर यू गेटिंग मी। तो अब ये चीज तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एक ट्रेन आती है या एक गाड़ी आती है हमारे बगल, हमारे सामने निकल के चली जाती है, आर यू गेटिंग मी, तो वी फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीज देयर, आर यू गेटिंग मी, हमें एक वो आंधी जैसे लग रही है कि यहां से हवा चला गया, आर यू गेटिंग मी। तो वो क्या होता है, एक्चुअली वहां पर जो एयर अभी तक यहां पे है, तो यहां से ट्रेन आई या गाड़ी आई, उसका जो सरफेस है या ये वाला सरफेस, तो उसने यहां पर जो एयर था वो इसके कॉन्टेक्ट में आया तो वो उसी के साथ चला गया, आर यू गेटिंग मी। तो इसका
इसका मतलब कि उस पे शेयरिंग फोर्स पड़ा उस वाले ईयर कंपार्टमेंट पे, जो ईयर कंपार्टमेंट जहां पर है, जहां पर ईयर का वॉल्यूम ले लिया मैं और यहां से मैं अपने हाथ को चलाया, तो जो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा इधर या इधर, तो वो किस में आ रहा है? मोशन में. दैट वे यू फील अ ब्रीज टाइप ऑफ साउंड देयर. आर यू गेटिंग मी? तो ऐसा लग रहा है कि यहां से कुछ विंड तरह का कुछ चला गया. आर यू गेटिंग मी? एंड दैट इज कॉल्ड दैट ईयर कम्स इनटू द मोशन. आर यू गेटिंग मी? व्हेन इट कम्स इन मोशन, यू नो वेरी वेल व्हाट वी कॉल इट इन आवर लॉ क्लास, एंड दैट इज कॉल्ड एज द विंड. आर यू गेटिंग मी? सो वी कैन से दैट इट आल्सो कम्स इन मोशन व्हेन अ शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड. सो ये इस बात की गवाही देता है कि अगर मोशन में आए शेयरिंग फोर्स पे तो वो फ्लो होता है. तो इसका मतलब ये है कि जो एयर है या जो गैसेस है वो भी फ्लो करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड्स हो या आप गैसेस को ले, तो दोनों क्या करते हैं? दोनों फ्लो करते हैं. तो फ्लो का मतलब दोनों मोशन में आते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स. तो सच सबस्टेंसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. अब आप बोलिए फ्लूइड क्या है, तो आप एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं. सर फ्लूइड्स इंक्लूड ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस. आर गेटिंग मी? तो जो लिक्विड है या गैस है उनको ही हम फ्लूइड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इनको ही फ्लूइड? क्योंकि यही तो सबस्टेंसेस, यही प्राणी जो है मोशन फ्लो करते हैं. आर गेटिंग मी? तो अब एक और नजरिया है, वो ये है कि हेको बे क्या लफ्जन मज यम फ्लूइड्स चाहे वह लिक्विड्स ऐसी या गैसेस ऐसी, यम चन बर्दाश्त हेकन कर शेयरिंग फोर्स के. अगर बो इन शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर हा यम रोजन तिथे पे यम एंड दैट वी कैन से दैट दे विदस्टैंड इट. आर यू गेटिंग मी? तमो कोर ये बर्दाश्त. वन चु मे आसान शेयरिंग फोर्स अप्लाई करने ये आसान मोशन मज आमुत. तो एक और नजरिया है, सो नजरिया ये हेको ये वन फ्लूइड्स गई तम सबस्टेंसेस यम हाइन वारिया कम रेजिस्टेंस कमिस शेयरिंग फोर्सेस या शेयरिंग स्ट्रेसेस. तो इसका मतलब यह है कि फ्लूइडन मुतलिक हेको इस ब्याक डेफिनेशन दिस. सर क्या है? फ्लूइड्स आर दो सबस्टेंसेस, ये इनकी की प्रॉपर्टी बनेगी. याद रखना ये बात कि फ्लूइड्स के लिए ये की पॉइंट रहेगा. फ्लूइड्स के लिए ये की पॉइंट रहेगा. कौन है की पॉइंट फ्लूइड्स के बारे में? वो ये है कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाते. किसके अगेंस्ट? शेयरिंग फोर्स के अगेंस्ट. आर यू गेटिंग मी? क्योंकि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तभी जाके ये फ्लो हो रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? दिस इज वन एंड द सेम थिंग, बट इट इज इन द अनदर स्टेटमेंट दैट की पॉइंट क्या छु जी फ्लूइड आसान यम शो वेरी लो रेजिस्टेंस या बे क्या लफ्ज मन वो इम हाव रेजिस्टेंस कमिस टू दे या अगेंस्ट या टू दे शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग फोर्स को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. ये बहुत कम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं. जब बहुत कम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं तो उसकी वजह से ये मोशन में आते हैं और उस मोशन को हम बोलते हैं फ्लो. सो दैट इज वाई फ्लूइड्स आर दो सबस्टेंसेस विच फ्लोस. आर गेटिंग मी? वही डेफिनेशन पे आए जो आपने सुना था, ठीक है. बट फ्लो इज नॉट दैट थिंग जो आप ऐसे समझ रहे थे कि जो भी फ्लो करेगा. बट फ्लो क्या करेगा? टेक्निकल डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि फ्लो किस तरह की मोशन होती है. आर गेटिंग मी? अब बात यह है, एक्चुअली हमारा जो ये प्लेलिस्ट रहेगा दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ये मैंने फ्लूइड्स की इंट्रोडक्शन दे दी कि फ्लूइड्स कौन सी चीज होते हैं. तो अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि बताइए एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स. सचना ये जे सॉलिड्स हेकन बर्दाश्त कर शेयरिंग फोर्स मगर फ्लूइड्स टोटल ते हेकन कहीं कर एंड ये तुम हेकन कहीं कर तुम फ्लो ग आर गेटिंग या तुम मोशन इवन यस मोशन शेयरिंग फोर्स के वजह से तथ फ्लो. सो दिस वाज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्लूइड्स एंड द सॉलिड्स. नाउ हम आगे चल रहे हैं, तो वो ये है कि वह क्या चीमन प्रॉपर्टी, क्योंकि ओवरऑल हमने फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है. तो इससे पहला वाला जो प्लेलिस्ट था वहां पर हम एक ही सबस्टेंस को ले रहे थे, दैट वाज द सॉलिड्स. नाउ हम दो सबस्टेंसेस को लेंगे यहां पर, मतलब फ्लूइड्स में दो तरह के सबस्टेंसेस आ जाएंगे, वो है लिक्विड्स भी और गैसेस भी. इसका मतलब यह है कि वहां पर एक सबस्टेंस था तो यहां पर दो सबस्टेंसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है. तो दैट इज वाई ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये लंबा खींच जाएगा. आप अपना सिलेबस देख लीजिए तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये कितना लंबा है और इसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो अब इसी की बात करेंगे कि यमन फ्लूइड क्या क्या प्रॉपर्टी.
फ्लूडन क्या क्या प्रॉपर्टी कम बुत पढ़ने तिमन मुतलिक त्रा जल्दी जल्दी वन बो तिहद ना प्रेशर प्रेशर इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड्स चाहे एयर हो चाहे गैस हो चाहे वाटर हो चाहे कोई भी लिक्विड ले ले चीज हमेशा करन दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर तो जब जब प्रेशर आ जाएगा तो आप ये चीज मान लीजिए कि यह कंस फ्लूड ने अप्लाई करमुत तो इसका मतलब यह है कि यह बनी हो प्रॉपर्टी आर एकेडमी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी द प्रेशर आप बोलेंगे कि सर ये कितने बनी हुई प्रॉपर्टी वो आगे देखा जाएगा ब्याक प्रॉपर्टी पढ़े तो विस्कोसिटी आर एकेडमी ब्याक प्रॉपर्टी पढ़े तो टर्बुलेंस ब्याक प्रॉपर्टी पढ़े तो सरफेस टेंशन ये चीजें हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस करना है ये लंबा खींच जाएगा ये वाला प्लेलिस्ट तो हम पहले जो बात करेंगे वो है प्रेशर की प्रेशर कस प्रॉपर्टीज क्योंकि हमारा प्लेलिस्ट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फ्लूड्स की है दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर मैं पहले आपको प्रेशर समझा दूंगा प्रेशर का अर्थ बनत तब पर दिमो तो ये प्रूव करे थे यह प्रॉपर्टी किन कहीं आर एकेडमी में क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स पढ़ेंगे क्या शतारा फिक्र चलो पहली प्रॉपर्टी जो है पहली प्रॉपर्टी वो है प्रेशर 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 कहा गोड दिमो डेफिनेशन तब पत वनो प्रेशर कत कच मालूम करन आर एकेडमी पहले डेफिनेशन देंगे प्रेशर की प्रेशर गो कशिर पर दबाव आर एकेडमी फोर्स इज आसन एक्चुअली चीज फोर्स सिथि गिंदन फोर्स च आसन जि चीज अगर बहु कि फोर्स करना अप्लाई सू कर चीज अ्राई सू इम्पैक्ट बी त्राई सू इफेक्ट चीज सो फोर्स क्या क्या कर अ इफेक्ट क्रिएट ब्या कर सू इम्पैक्ट क्रिएट सर इम्पैक्ट इफेक्ट क्या गो अड़न आसान यह लगभग सेम इफेक्ट बोलो या इम्पैक्ट बोलो दिस वन आर द सेम थिंग बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स मैं इनको समझा दूंगा फोर्स इज इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स वो तो आपने पहले वाले ये पेपर ए में पढ़ा है इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स क्योंकि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम सर ये क्या गो ये गो ये बॉडी पर फोर्स पे सो क्या करता सो करना मोमेंटम चेंज एंड मोमेंटम चेंज मोमेंटम को हम बोलते हैं इम्पल्स सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स इट इज द चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स सो खत्म बात तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं इम्पल्स चलो मैं इम्पल्सिव फोर्स लिखा इधर मैं इम्पल्स ही लिखूंगा इम्पल्स एंड व्हाट इज इम्पल्स इम्पल्स इज नथिंग इट इज द चेंज इन द मोमेंटम जब जब फोर्स पड़ेगा तब तब मोमेंटम चेंज होगा तब तब मोमेंटम चेंज होगा तो इसका मतलब कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स तो इम्पैक्ट इम्पैक्ट अगर तुम वो इम्पैक्ट मतलब दबाव आर गेटिंग मी दबाव फोर्स का दबाव जब भी फोर्स कहीं पे लगेगा और कुछ दबाने की कोशिश करेगा दब जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को दबाने की कोशिश करेगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर सो द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज प्रेशर ये सिंपल डेफिनेशन है प्रेशर की बट मैं इसी चीज को मद्देनजर रखूंगा आप प्रेशर मत बोलिए आप दबाव बोलिए जब आप दबाव बोलेंगे ना तो आपको अच्छे से ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये प्रेशर क्या है एक्चुअली आसन अदरवाइज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू आर गेटिंग मी सो ये चीज आप मद्देनजर रखिए जब जब प्रेशर वर्ड आ जाएगा ना तो अपने दिमाग की घंटी बजाइए और वहां पर बोलिए दबाव तो आपको फिर परेशानी कहीं पर नहीं आएगी और दबाव अगर इस कोशिश पर वो ना का वन तम साथ हे ये त्रो दबाव ये बासन ये बसि ऊर एंड दैट इज कॉल्ड एज दबाव और आपने ये चीज भी क्लियरली कश्मीर में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ये क्यूल छुपे वाला दबा क्यूल दबाव आर गेटिंग मी तो इसका मतलब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर का मतलब यही है कि किसी चीज का दबना आर गेटिंग मी और दबने को क्या बोलते हैं इंपैक्ट वो किसका होता है फोर्स का इसका मतलब कि प्रेशर नहीं आएगा तब तक जब तक फोर्स ना होगा और फोर्स का कौन सा है क्या चीज होना चाहिए जिसको हम प्रेशर बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट सो प्रेशर क्या होता है इट इज सिंपली अगर हम साधारण या एक सरल भाषा में बात करेंगे वो ये है कि इट इज सिंपली द इंपैक्ट ऑफ फोर्स इंपैक्ट ऑफ फोर्स तो इसका मतलब यह है कि जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक प्रेशर नहीं आएगा बिल्कुल सही बात आर एकेडमी मगर फोर्स क्या इंपैक्ट इंपैक्ट क्या गो दबाव दबाव क्या गो ये जब आसन चीज कहां चीज दबे और वो कब दबेगा वो देखेंगे तो ये कुछ
کچھ اس میجر کرن اس چھ دپن اگر اس فورس سون دباؤ چھ وچھن یعنی کہ یتھ اس کیش ونم پریشر یا امپیکٹ وچھن چھ دپن دیٹ از گیون بائی دی پرپینڈیکولر فورس پر یونٹ ایریا اب آپ بولیں گے سر یہ کیا چیز کو دیو نظر دھیان دے یہ چھ میری اک باڈی اک ٹھیک چھ امہ پتہ کیا چھس بہ کام اک کرن آپ نے یہ چیز تو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کن سات چھو تہ ات من کیول والن ات کر یم سائڈ سو دباون ارگڑی می تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے دبنا ڈو یو نو وائی کیونکہ وہ آگے سلائڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر دو چیزیں دکھائی دیتی ہے ایک اس کا دبنا بھی اور دوسرا اس کا ایفیکٹ بھی واٹ از ایفیکٹ چینج ان مومنٹم اس کا مومنٹم چینج بھی ہو جائے گا اور یہ دب بھی جائے گا اگر ایسی استھتی ہوگی اور یہاں پر آپ اس کو مار رہے ہیں ایسے مار رہے ہیں اس کیل کو تو یہاں پر دونوں چیزیں آپ کو دکھے گی ایفیکٹ آف فورس بھی اور امپیکٹ آف فورس بھی آپ کو پتا کیا ہوگا کہ یہ جو کیل ہے یہ آگے بھی چلے گا اور نیچے بھی گھسے گا دبے گا آر یو گیٹنگ می تو وہ کیسے پاسبل ہے سر یہ کتھ کچھ پاسبل یہ پک برونٹ تے تو بون کن تے ویسے اٹ از پاسبل وین وی ریزالو دس فورس جو آپ یہاں پر فورس اپلائی کر رہے ہیں یہ آپ اس ڈائریکشن میں فورس اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے دو کمپوننٹس ہو جائیں گے ایک یہ والا ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا جو سرفیس کے یہ جو سرفیس یہاں پر جس تک پیرلل ویسے سو کیری سے ایفیکٹ آف فورس کریٹ دیٹ از کالڈ دیٹ ول چینج دی مومنٹم دیٹ ول چینج دی مومنٹم اور جو دوسرا والا ہے جس میں پرپینڈیکولر یا سرفیس پر پیون یہ آپ کو امپیکٹ دے گا کس کا فورس کا اس کا مطلب کہ یہ دب جائے گا یہ اب اندر دب جائے گا تو اس کا مطلب کہ آگے بھی چل رہا ہے اور دب بھی جا رہا ہے اور دبا کون رہا ہے اس کو پرپینڈیکولر کمپوننٹ کے نہیں تو دیٹ از وائی یہاں پر یہ فورس نہیں ہوتا یہاں پر پریشر میں پریشر مطلب دباؤ یل میں کان دباؤ چھ میں فورس پرپینڈیکولر کرنے اپلائی اگر میں پرپینڈیکولر کر اپلائی تیل وچ بو تانو کان کمپوننٹ ما چھ پرپینڈیکولر لگن اس کا مطلب کہ یہاں پر فورس نہیں ہے ایکچولی اٹ از دی کمپوننٹ اف دی فورس وچ از نارمل ٹو دی سرفیس جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دب جائے گا اس سرفیس میں کہ نہیں آر یو گیٹنگ می سو دیٹ از اے پریشر جو ہے اٹ از ناٹ اے ویکٹر کوانٹٹی It is not a vector quantity. آپ بول سکتے کہ سر ایرے کو ہم سکیلر لے سکتے بٹ فورس تو ویکٹر ہے بٹ یہاں پر آپ ایک کمپوننٹ کو لے رہے ہیں اور فورس کا کمپوننٹ لینا یو نو ویری ویل وٹ دیٹ دیٹ از اے سکیلر کمپوننٹ یہ تو آپ نے پڑھا ہے ویکٹرز کو جب ریزالو کرتے ہیں تو اس کے کمپوننٹس نکلتے ہیں ان کمپوننٹس کو سکیلر کمپوننٹس بولتے ہیں تو یہاں پر اگر سر بات کر رہے ہیں کمپوننٹ کی تو فورس کا کون سا کمپوننٹ لینا پڑے گا یہاں پر آپ کو اس کا پرپینڈیکولر کمپوننٹ لینا پڑے گا سو جو پریشر ہوگا اٹ از نتھنگ اٹ از دی کمپوننٹ آف دی فورس وچ از پرپینڈیکولر ٹو دا سرفیس پر یونٹ ایریا اینڈ ایریا کیا ہوگا اسی سرفیس کا آپ دیکھیے میں فورس ایک ہی لوں گا مگر جو دباؤ جو اس کا امپیکٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا دیکھیے گا یہاں پر اس کا مطلب کہ یہ پریشر پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ فورس پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ ایریا آف سرفیس ان کانٹیکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا آف سرفیس ان کانٹیکٹ یہ جو نیچے ہے نا اے اٹ ڈز ناٹ مین ایریا یاد رکھنا یہ ایریا ہی ہے مگر اٹ از ناٹ سمپلی ایریا واٹ از اٹ اٹ از ایکچولی دی سرفیس کانٹیکٹ جو کانٹیکٹ میں ہوگی نا سرفیس کیونکہ آپ نے دبانا ہے کسی چیز کو پتہ وچھ تک سرفیس پر یہ پرپینڈیکولر چلا گن تمیک ایریا کیا چھو اینڈ دیٹ از کالڈ ایریا آف کانٹیکٹ سو اٹ از ایریا آف کانٹیکٹ کیونکہ کبھی کبھار آپ کو کیا لینا پڑتا ہے اے مینس ایریا آف کراس سیکشن یہاں پر یہ ایریا آف کراس سیکشن نہیں ہوگا یہاں پر یہ ایریا آف کانٹیکٹ ہوگا اور اوپر جو فورس ہے یہ ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوگا اگر فورس اوبلیکلی لگ رہا ہے تو اس کا وہ کمپونیٹ لے لیجیے جو اس ایریا کو یعنی کہ جو اس سرفیس کو جس کا ایریا آپ نے لیا اس سرفیس کو پرپینڈیکولر لگے نارمل لگے جب آپ اس کو یہ ریشو نکالیں گے یو ول گیٹ دی پریشر میجر یو ول گیٹ دی اماؤنٹ آف دی پریشر امیک فورس امپیکٹ کوتا چھ تو فورس کا امپیکٹ کیسے نکالتے ہیں ہم پرپینڈیکولر فورس یا فورس ایکٹنگ پرپینڈیکولر ٹو دی سرفیس ڈیوائڈیڈ بائی دی ایریا آف دیٹ سرفیس اس سرفیس کا ایریا لینا پڑے گا اب آپ بولیں گے کہ سر یہ کس کا ہو اس کے لیے یہاں دھیان دے دیجیے تو پریشر کا مطلب کیا ہے آج کے بعد کیا بولیں گے آپ پریشر کا مطلب چھ دباؤ اور دباؤ کا مطلب ہے دبانا آر گیٹنگ می اب کس کب دبائیں گے آپ تو اب آپ دیکھیے امپیکٹ آف یہ جو پریشر ہے نا میں اس کو پریشر نہیں بولتا ہوں
मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, मैं इसको इंपैक्ट ऑफ फोर्स बोलता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इससे मेरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि ये मतलब को दबाव फोर्स हो, और दबाव कब होगा, जब ये तभी ज्यादा होगा जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि इंपैक्ट ऑफ फोर्स विल बी मोर, ये ज्यादा होगा, दब जाएगा, दबने का इफेक्ट बड़ा होगा। मगर कब होगा, कब एक चीज दबेगा जल्दी जल्दी, उसका दबने का इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, क्योंकि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। व्हेन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉलर, जब वो बहुत कम होगा। चलो मैं फोर्स की बात नहीं करूंगा, मैं फोर्स को कॉन्स्टेंट रखूंगा। आप देखिएगा, यहां पर मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, क्योंकि यही चीज आपके काम आ जाएगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, आप देखना, जब आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम लेते हैं ना, तो एक बॉडी दब जाती है, एक बॉडी का इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होता है, यानी कि प्रेशर ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि यम बैग पद किन, तो आपने देखा होगा कि तिमन यापर आसान बैंड आर गड़ी, तो आप उन बैंड्स को, जो बैलेट्स वगैरह होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, आर्गेडमी, आप उनको रिप्लेस करिएगा किससे, एक स्ट्रिंग से, ऐसे, इसके बदले ऐसे, ये बदले त्रे तुम डोर्स नल, तो वो तुम डोर्स ऐसे माजस मन तुम दबल, डू यू नो व्हाई, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर का मतलब इंपैक्ट ऑफ फोर्स, और इंपैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब दब जाना, फोर्स यहां पर इस चीज को दबाएगा, आर्गेडमी, वो दब जाएगा एक बॉडी के अंदर। सो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज हेयर एसेंशियल थिंग टू हैव अ मोर प्रेशर, टू हैव अ मोर दबना इफेक्ट, आर्गेडमी। चलो आगे चलते हैं, इस चीज को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं एक फोर्स को कॉन्स्टेंट रखूंगा। चलो मैंने यहां पर एक बॉडी ले ली, ध्यान से देखिए इसको, ये क्लियर बॉडी, आप देखिए इस बॉडी को, सपोज इट्स अ बुक लाइक ऑब्जेक्ट, आर्गेडमी, सपोज ये मे मास 10 kg, कोता मास 10 kg, और अगर इसका मास है अर्थ छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तो ये किसी, ये यहां पर एक फ्लोर है, आर्गेडमी, सपोज इट इज अ फ्लोर और अ टेबल ऑन विच इट रेस्ट्स, जिसके ऊपर मैंने इसको रखा है। चलो इसके डायमेंशन भी मैं आपको बता दू, यस बुक, चलो अमी 1 meter, कोता 1 meter, सपोज, और यू से पीढ़ी होता चु लेंथ दैट इज 2 meter, चलो मैं बता रहा हूं अब, और ये जो यहां से यहां तक है, सपोज दैट इज 5 meter, यानी कि लेंथ इसकी 5 meter है, ब्रेड्थ 2 meter है, और हाइट 1 meter है, आर्गेडमी, ये मैंने डायमेंशन दिए सहूलियत के मुताबिक, सहूलियत के लिए मैंने ये वाले डायमेंशन दिए। और इसमें मैं क्या करता हूं, इसका तो मास है, और मास कितना इसका, सपोज 10 kg इसका मास है, बताइए अगर इसका मास है अर्थ छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका वेट, वेट तो फोर्स है, ठीक है, तो ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट है ना, ये वाली सरफेस है, तो इसके कॉन्टैक्ट में है, ऐसे बुक ऐसे रखी है मैंने इसके ऊपर, तो इसका फोर्स है, तो वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, आर्गेडी में वेट इस पे, इस सरफेस इन कॉन्टैक्ट को परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंपैक्ट ऑफ फोर्स होगा, प्रेशर होगा। तो सपोज इसका जो वेट है, बताइए कितना फोर्स लगेगा, वेट कितना लगेगा, mg, m कितना है 10, और g कितना है 10, और 10 कितना हो गया 100, चलो इसका जो वेट है वो 100 newton है, आर्गेडमी, इस बुक का वेट कितना है 100 newton, जब मैं इसको ऐसे रखूंगा, बताइए व्हाट विल हैपन, ये इस पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ये करे प्रेशर, तला सुबनी प्रेशर का बराबर ने सर सुशिनिया ना परपेंडिकुलर फोर्स, ये मार्च सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ऐसे सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, और इसके ऊपर मैंने ऐसी बुक रखी, आर्गेडमी, इसकी लेंथ वगैरह सब चीजें दी गई है, तो ये क्या त्राई है पर ये चीज कोशिश करें बोस ओड, इसका इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये जो वेट है वो परपेंडिकुलर लग रहा है इस सरफेस इन कॉन्टैक्ट को, तो प्रेशर कितना होगा, फिर प्रेशर तो होगा सर परपेंडिकुलर फोर्स, वो तो वेट ही है, वो होगा 100 newton डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट का कौन सा एरिया है, सरफेस इन कॉन्टैक्ट का एरिया ये वाला है, नहीं ये वाला है, नहीं ऊपर वाला है, नहीं सर नीचे वाला जो यहां रेक्टेंगल बनेगा ना, तम कोई एरिया ही, ठीक है, सूच सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सो मच 5
length into 2, 5 to 10. Because one can yapar yapar yi bhi chu, tamu kya ratio na 10 meter square, kyunki 5 into 2, ye wala nahi aa jayega. Because ye chu yem side, main chu yi ki ban mein aake kya area nun. Suma ko yi ki ye, yima ke length 5 meter, yima ko 2 meter, 5 to 10, ye mein kya area yi. Are you getting me? To pata ye area kya hoga? Area hoga 5 to 10 meter square. To iska matlab ki use pressure loop, pressure unit is simple, that will be 10 units. Kos pressure pe 10 units pen pressure. Magar yele force kota chamuk, yele force and 100 newton. Ab main kya karta hu ki bunimal yahi book. Magar one thousand bhi itkar, one thousand bhi khada. Matlab ki isko main aise rakhunga ab. Aap dekhiye isko. Yahi book hai fir se. Isko main aise lunga. Aapko samajh mein aaya hoga. What is it doing? To aise. Abhi tak ye aisi thi. ऐसे रेस्ट कर रही थी, अब मैंने इसको ऐसे रेस्ट कराया. अरे गड़ी में अब मुझे एक बात बताइए, ये कितना है? ये तो 2 मीटर है. अब मैंने इसको ऐसे पलट दिया तो दिस इज 2 मीटर. अरे गड़ी में और ये कितना है? इट इज 1 मीटर. और ये कितना है? आपको पता है कि इट इज 2 मीटर एंड इट विल बी 5 मीटर. अरे गड़ी में इट इज 2 मीटर, इट इज 5 मीटर, इट इज 1 मीटर. यू नो वेरी वेल दिस थिंग. वन ईयर में ये इतना तो ये कि बर्क छिने या पर ये कि या पर ये से कॉन्टैक्ट कर ये कि यह छुना सरफेस इन कॉन्टैक्ट यह छुना ग्राउंड स्पीड भी है. आर गेटिंग मी? यही तो ग्राउंड पे है. ऐसे आर गेटिंग मी? अब मुझे बता इसका मास कितना था? 10 केजी. और जी कितना है? 10. तो इसका वेट फिर से कितना है? 100 न्यूटन. आर गेटिंग मी? तो फिर से इसका वेट कितना लग रहा? 100 न्यूटन. देखिए मैंने वट जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको चेंज नहीं किया, वो मैंने फिर से 100 न्यूटन रखा. मगर आप देखिए सेम फोर्स होने के बावजूद भी इंपैक्ट ऑफ फोर्स डिफरेंट निकल रहा है. तो इसका मतलब है कि वो देखेंगे वो डिफरेंट क्यों निकल रहा है. अब मुझे यहां पर बताइए जो प्रेशर ये क्रिएट करेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स. हाउ मच इज द परपेंडिकुलर फोर्स? 100 न्यूटन. अब मुझे बताइए ये किस पे लग रहा है? इस एरिया पे लग रहा है. एरिया इन कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट वो ये होगा. हाउ मच इज दिस थिंग? 1 मीटर. हाउ मच इज दिस थिंग? 5 मीटर. 5 1 आर 5 तो 5 मीटर स्क्वायर. तो 5 1 आर 5 तो इट विल बी 5 मीटर स्क्वायर एंड 5 2 आर 10 20 यूनिट्स. अमी कोता प्रेशर कर वही क्रिएट 20 यूनिट्स. अमी बुक की कोता प्रेशर को क्रिएट 10 यूनिट्स. मगर ये ली इतका थस तम साथ करूँ 10 यूनिट्स क्रिएट, ये मैं साथ इतका करूँ तम साथ करूँ 20 यूनिट्स क्रिएट. तमिल मतलब को यह चीज ज़्यादा चांसेस बोन वास्तविक, यह चीज कम चांसेस बोन वास्तविक. इसका मतलब ये कि ये किस पे डिपेंड करता है? ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड करता है. ये छह एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ओस ये 10 यूनिट्स और ये छह उनके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 5 यूनिट्स. जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, उतना प्रेशर ज्यादा होगा. दैट इज वाई जो कील होता है ना क्यूल, तक बुथ टिप लगे. डू यू नो वाई? तेज तथान एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम कर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम आप जल्दी. सो दैट इज वाई वो अंदर चला जाता है जब भी ठोक देते हैं उसको. आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे कह चीज कुन मे दबा तम से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थे कम, तेज तम से इफेक्ट ऑफ फोर्स जरूरत, तम से इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जरूरत. आर गेटिंग मी? तो ये चीज है.